अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं निगा मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम स्पोर्ट्स टाइम में आज जो हमारे गेस्ट हैं प्रोफेशनल बॉक्सर हैं कोयटा से इनका ताल्लुक है शहरबाज मरी शहरबाज कैसे हैं आप अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ, अच्छा शेहबाज थोड़ा सा सब सबसे पहले बताएं बॉक्सिंग के बारे में वैसे हम अपने नाजरीन को बता बताते चले शेहरबाज जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं इनके पास आप पाकिस्तान का कोई भी को, को, कोई एक मेडल बताए जो ना हो इनके पास तकरीबन सारे हैं पूरे पाकिस्तान का जो कंपटीशन होता है उसमें इन्होंने गोल्ड लिया हुआ है फिर कोयटा से स्पेसिफिक कोयटा से बलूचिस्तान से जहां से ये खेलते हैं कोयटा शहर का इनके पास अपना मेडल है जो वहां पे मुकाबले होते हैं कोयटा शहर का फिर उस प्रोविंस का बलूचिस्तान का फिर सिंध का तो तकरीबन ये जो आप मेडल्स देख रहे हैं इनकी भरमार लगी हुई है और इतने बा कमाल फाइटर हैं ये एक एथलीट हैं तो इनसे थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं आज शबास सबसे पहले तो जरा बताइएगा बॉक्सिंग का शौक कैसे हुआ किसको देख के बॉक्सिंग स्टार्ट करी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हम यहाँ इस शो में बुलाया तो बॉक्सिंग और ओशो का सबसे पहले जो था मुझे ओशो का शौक था कराटे अच्छा, का जो मतलब हर एक बच्चे में होती है ना तो आज से तकरीबन मैंने 2011 को मुझे गेम का शौक पड़ गया तो हमारे मोहल्ले में एक क्लब खुल गई थी तो मैंने सबसे पहले वहीं पे एडमिशन ले ली हमारे पास पैसे नहीं थे मैंने तीस रुपये में क्लब में एडमिशन फीस दे दी तो सबसे पहले हमारे घर में मतलब एक छोटी सी ट्राउजर पड़ी हुई थी वो पहन के मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली तो उसके बाद स्टार्ट हुई प्रैक्टिस खेलते खेलते आज माशाल्लाह इस मकाम पहुंच गए बिल्कुल अच्छा तो एक चीज़ बताएंगे कि जब आप क्या कहते हैं नेशनल मेडल आपने जीता पाकिस्तान का तो क्या था क्या जहन में चल रहा था कि यार ये चीज़ें मुझे लेनी है ये लाजमी लेनी है कैसे मतलब के निगाह भाई मेरा अपना उम्मीद था कि मैं इन ओलंपियन मेडल जीतूँ ठीक मेरा जो है मैंने जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो मैं बरोसली को देखा करता था वनडेम को देखा करता था जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैन है मैं उनको देखा करता था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इसी तरह हमें जो है गेम की शौक पड़ गई कि हम भी एक नाम एक पहचान बनाए दुनिया में ठीक वर्ल्ड चैंपियन बने ठीक जी हाँ तो इसीलिए जो है मेडल जब जीतते थे हम मैंने आल कोल्ट्रा मेडल जीता आल, पाकिस्तान सिंध बलुचि नेशनल लेवल मैं मेरा ये उम्मीद था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मेडल लाऊं तो उसके लिए जो है हमें आज तक कोई प्रमोट नहीं मिला अच्छा। तो हम अभी भी लगे हुए हैं हमारी वो उम्मीद वो जज्बा जो हम जो जज्बा था जो हमें जो उम्मीद है वो हम अब तक लगाए हुए हैं तो मिशन हमारे यही है कि हम ओलंपियन तक जाएं वर्ल्ड वर्ल्ड मेडले जीते अच्छा लेकिन अभी हमने रिसेंटली आपका क्या कहते हैं एक शिफ्ट देखा है आप कोयटा से जो है कराची आ गए हैं और फिर कराची में मजदूरी भी कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे ये क्या है और क्या कहीं से कोई क्या कहते हैं पैसों की सपोर्ट नहीं हो रही है कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसका थोड़ा सा बताएंगे हमें ये तो निगाह भाई पाकिस्तान में होता रहता है बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन हैं जो आपके सामने हैं कोई लियारी सबसे पहले आप लियारी की बात करें लियारी में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत अच्छे बाक्सर भी हैं बहुत अच्छे किक बाक्सर भी हैं बहुत अच्छे फुटबॉलर भी हैं वो मिसकिन मतलब जब वो रिटायर हो जाते हैं उनकी उम्र एज बढ़ जाती है ना तो कोई चिप्स की रेडी कर खड़ा किया हुआ है तो कोई फुला बेच रहा है तो कोई क्या बेच रहा है ये ये जो है मतलब स्पोर्ट्स का ये हाल है पाकिस्तान में बाहर मुल्क में तो स्पोर्ट्स को बहुत बड़ी तरजीह दी जाती है तो हमारे बलोचस्तान में भी यही हाल है सिंध की गवर्नमेंट और बलोचिस्तान की गवर्नमेंट ये जो है स्पोर्ट्स मैन को इतनी तरजीह नहीं देते पता नहीं ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं ये हमारे समझ से बाहर है तो हम हमारे बलोचस्तान की भी यही सूरत हाल है हम वहीं पर बॉक्सिंग खेलते थे ना तो जब हम मेडल जीतते थे तो मेडल घर ले जाते थे अबू कहते थे वो हमारे तो वो पुराने जमाने के लोग हैं वो कहते थे कि बेटा ये क्या है मैं कहता था अबू ये मेडल है इसकी बहुत बड़ी इज्जत है ये बहुत बड़ा चीज है आ, बस ठीक है फिर बोलते है बच्चे अभी इसको आप हमेशा के लिए पहन के घूमोगे मैंने कहा नहीं अबू बस इसको कुछ वक्त के लिए पहनते हैं इंशाल्लाह कुछ हो जाएगी तो इसी तरह जब मेडल जीतते हैं तो हमें मतलब कोई सपोर्ट नहीं होता पाकिस्तान में पाकिस्तान में मैं नहीं कह सकता बलूचिस्तान में तो यही हाल है यही सूरत हाल है जो आपके सामने इतने मिडल हैं लेकिन बेरोजगार बंदा सुजुकी में लोडर यही सूरत हाल है लेकिन बड़ा मुश्किल नहीं है जो आप काम कर रहे हैं लोडिंग का जो लोड करते हैं चीजें बड़ा मुश्किल नहीं है और इसको फिर एक तो आप ये काम इतना मुश्किल कर रहे हैं फिर उसके साथ साथ आपने जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो एक चूज की फील्ड

अभी मैंने कोटा छोड़ दिया है यहीं पे कराची पे आया हूँ यहीं पे जो मतलब एक सुजुकी है मेरा दोस्त है तो उसके मैं उसमें मतलब वो सुजकी चलाते हैं मैं वो लोडर हूँ कलेंडर तौर पर मतलब वो गाड़ी खाली करना लोड करना वो मेरा काम है सुबह को हम निकलते हैं तकरीबन ईशा के आजान तक हम गाड़ी पे होते हैं तो इतना थक जाते हैं कभी कभार एक घंटा मिल जाता है ट्रेनिंग के लिए ज्यादातर ट्रेनिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है ठीक लेकिन हमने आपको देखा है आप उस ट्रेनिंग के बावजूद भी बॉक्सिंग भी इतनी इतनी हार्ड हार्ड प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं और वो भी इतनी में फिर आप मतलब कि मैं तो आ, कोई नॉर्मल बंदा हो, अगर आप मेरी बात करेंगे आ, मैं यहाँ पे मतलब ऑफिस में जॉब करके हाँ भी ये चीजें करके अगर जाके रात में जिम भी करता हूँ या किसी किसी किस दिन मैच वगैरह खेलता हूँ तो मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाता हूँ बड़ा मुश्किल होता है लेकिन आप दोनों काम इतने मुश्किल एक साथ कर रहे हैं परेशानी नहीं होती है नेगा भाई बस ज्यादातर लोग जो है हमें मतलब मिंटल कहते हैं कहते हैं आप पागल हो इतने ट्रेनिंग करते हो फिर काम करते हो घर में भी हमें यही कहा जाता है कि भाई आप क्या हो किस मिट्टी से बने हुए हो लेकिन हम क्या करें अभी हम में एक जज्बा है ना अभी हमने 11 साल गेम खेली हुई है अभी इसको छोड़ भी नहीं सकते पहले 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 जब हमने गेम ज्वाइन की तो हमें शौक था अब हमारी मतलब रग रग में घुस चुकी है अभी हमारी फितरत है हम कुछ करें अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे कोई आम जो कंपनियां वो भी सपोर्ट नहीं करे हम गेम नहीं छोड़ेंगे हम इंशाल्लाह खेलेंगे और हमारे बस में जो हुआ हम वही उसी तक खेलेंगे अभी हमारी जो दुबई में फाइट होने वाली है पच्चीस तारीख को पच्चीस मार्च को तो पाकिस्तान में, में मेरी जो है प्रोफेशनल फाइट है मैं वो नहीं खेल रहा मैंने कहा इंशाल्लाह इस दफा अः मोताई के फाइट दुबई में मैंने वहां पे अपना मतलब उस इस दफा जो ये हर साल ये टूर्नामेंट होती है तो इस दफा जो है हमारे जो नादिर बलोच है हमारे कोच है हम उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करते हैं उन्होंने जो है मुल्क में उन लोगों ने जो इस दफा पाकिस्तान को भी इनवाइट की हुई है कि आप भेजें यहीं हिस्सा ले लें तो उसमें हम, मैं और मेरे दो अच्छे दोस्त हैं हम तीनों ने वहीं पे जो है अपने पासपोर्ट भेजे हम लोगों ने उसमें जो है हिस्सा ले लिया है लेकिन आ, ये जो फाइट आप लड़ने जा रहे हैं इसमें जो क्या कहते हैं पैसों की सपोर्ट जो होती है वो कौन कर रहा है अभी तक वो हो गए हैं या नहीं हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और कितना पैसा खर्च हो रहा है निगाह भाई अभी अल्लाह जानता है इस हाल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आ, हजार रुपए भी नहीं है कि हम जाके वो खेल सके बस एक उम्मीद है अल्लाह के आसरे पे मैंने तो अभी जो है घर में ये कहा है कि आप ये फाइट किस तरह खेलेंगे आप इसमें दो ढाई लाख रुपए खर्चे आते हैं तो आप ये फाइट किस तरह खेलेंगे मैंने वालदा को कहा अम्मी अल्लाह है आप दुआ करें इनशाला किधरी न किधरी से पैसे आ जाएंगे अगर पैसे नहीं आए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पैसे नहीं मिले तो कैंसल कर देंगे वैसे तो हम उसका जज्बा मैं ट्रेनिंग खेल रहा हूँ प्रैक्टिस में भरपूत लगा हुआ हूँ लेकिन खुराक की कमी है डेटिंग की कमी है तो उसके साथ साथ अभी हम उम्मीद नहीं हार सकते ये बहुत बड़ी मतलब क्या होती है ना अब हम उम्मीद के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं किदिरी ने, किदिरी से अल्लाह मालिक है कुछ हो जाएगा तो जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि 25 तारीख को आपकी फ्लाइट है आपने 23 को वहां पहुंचना है एटलीस्ट दो तीन दिन पहले और आपको दो से ढाई लाख रुपए तकरीबन चाहिए कम से कम और फिर वो आपके पास है नहीं तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से वो तो हमारी एज यूजल है वो सपोर्ट नहीं करेगी उनका बड़ा मुश्किल होता है अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये कोई वो आप पैसान नहीं करेंगे ये उनकी जिम्मेदारी है आप शहरी हैं पाकिस्तान के तो उनको करना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ जो ब्रांड्स हैं या जो पर्सनल एथलीट हैं उनसे भी गुजारिश है शहरबाज़ मरी साहब जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर हैं पाकिस्तान के कोयटा से खेलते हैं अभी कराची में हैं कराची में नादिर अली नादिर बॉक्सिंग क्लब जो है तो उनके अंडर जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको इन पैसों की नीड है आप चाहें तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं हम इनका नंबर भी चलाएंगे नीचे तो शहबाज भाई एक चीज और बताइएगा जो मुकाबले हैं इंटरनेशनल लेवल के आई गेस ये आपका पहला मुकाबला होगा और उसके लिए तैयारी है भरपूर सर मैंने मतलब पाकिस्तान में तो हर लेवल के गेम खेले हुए इंटरनेशनल प्लेयर है ना पाकिस्तान में बहुत सारे मैंने सबसे गेम खेला हुआ है और अलहमदुल्ला प्रोफेशनल फाइट जो मैंने खेली वो बा भी जो है इंटरनेशनल गेम कर चुका था तो मुझे इंटरनेशनल पहले भी बहुत सारे ऑफर आए थे वो भी इसी तरह जो है पैसों के ना होने की वजह से आखिर में जो मेरे जो और जो दोस्त थे और जो स्पोर्ट्स थे उन्होंने मतलब किधरी न किधरी से जमा करके वो लोग चले जाते थे मैं रह जाता था ये तकरीबन मेरे साथ चार पांच दफा पहले इसी तरह हुए बाहर मुल्क के टूर आते थे मेरे पास पैसे नहीं थे मैं नहीं जा सका इस दफा फिर इसी तरह ऑफर आई हुई है

के बंदे बहुत हैं। या में नहीं। ना कोई ये, देखो ना ये सबसे पहले हमारी हक है एक स्पोर्ट्स तो मतलब जो इस्पोर्स, इस्पोर्स है, ये उनका, उनकी जो है डिप्टी है उनका जो है फर्ज है वो लोग जो है जो स्पोर्ट्स मैन है उनकी मदद की जाए तो जो मतलब अच्छे स्पोर्ट्स मैन है उन्हें भी पता है कि भाई ये किस किस का हक है किस किस को हक दिया जाए तो अभी जो बायर मुल्क में फाइटे होते हैं वो अपने ना नाम के लिए जो अपने उनके लड़के होते हैं वही बेच देते हैं जो टैलेंटेड हैं जो जिनमें टैलेंट है जिनका हक बनता है वो लड़के हमारे तरह रह जाते हैं बहुत सारे लड़के हैं मेरे अपने दोस्त थे उन्होंने बेचारों ने तकरीबन ग्यारह ग्यारह साल बारह बारह पंद्रह पंद्रह साल रेलवे के लिए खेला था मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा मैं उनका जागह भी आपको बताऊंगा अल्लाह जानता है कसम खुदा की जब मैं उनकी मैं कसम का के कहता हूँ मैं जब उनका हाल देता हूँ मुझे रोना आता है ग्यारा ग्यारा साल चार चार नेशनल मिडले जिन्होंने रेलवे के लिए जीते हैं आखिर में जब वो रिटायर हो गए थे रेलवे ने उन्हें दस दस हजार रुपये जेब में दे दिए बहुत मुश्किल होता है सर यहाँ तक सोच में लाना हमने भी रेलवे के लिए तकरीबन दो तीन दफा नेशनल खेली है मैंने अच्छे मतलब इंटर यूनिट में मैंने रेलवे के लिए गोल्ड भी ली था गोल्ड भी लिया हुआ था हमसे जो है मतलब फिर भी हम जाया हो गए हमारे तीन साल मैंने नेशनल मैंने नेशनल खेला तीन साल मैंने रेलवे के लिए लगाया आखिर में जो है जो पंजाब के लड़के हैं वो उनमें खेल जाते हैं हमारे लिए तो पंजाब सिंध बलोचिस्तान सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तुनख्वा हम तो एक पाकिस्तानी है हमें ये फ़र्क नहीं हम ये फ़र्क नहीं रखते कि भाई हम बलोचिस्तान के हैं वो पंजाब के हैं ये वो लेकिन ये जो बालाकाम है इनमें ये तासुब है तो इन बर मेहरबानी ये लोग जो है ये तासुब निकाल के जो स्पोर्ट्स मैन है, है उन्हें जो है दी जाए बिल्कुल अभी हमारे जो लियारी के बाक्सर थे ना उन्होंने पांच पांच छे नेशनल मिडले जीते नेशनल मिडल जीतना निदा भाई बहुत जोर मांगता है उन लोगों ने नेशनल मेडल जीते है फिर भी बेचारे चिप्स के रेड़ी में खड़े मैं आपको एक दिन इंशाल्लाह लियारी ले जाऊंगा जब आप उसको देखेंगे कसम खुदा के इंसान को रोना था जब वो नेशनल मेडल पांच पांच छे छे लेकर वो बेचा रहा है चिप्स बेच रहा है तो हमारा क्या होगा तो इसीलिए हम भी हमें भी हमें के ऑफर आते हैं पैसे ना होने के वजह हम लोग जो है वो स्टैंड नहीं कर सकते ये जो है गवर्नमेंट का फर्ज है गवर्नमेंट के जो मतलब जितने फंड आते हैं अरबों रुपया आते हैं अभी आप देखे ना दूसरे तीसरे एक दो फंड छोड़ के जो है हर सालाना जो है अरबों रुपया फंड आते हैं ये पैसे जा रहे है? मैं वीडियो बना के गिला करता हूँ कोई और स्पोर्ट्समैन चिप्स बेच रहा हैं कोई और स्पोर्ट्स पराठे पका रहे तो स्पोर्ट्स इस तरह ये पैसे आते ये ये कोई पूछने वाला ही नहीं है वो अंधेर नगरी चुंतन राजा ये वही कहानी है सर अच्छा अच्छा जनाब से बिल्कुल अच्छा, इसके साथ साथ अब ये चीज तो चल रही है क्योंकि आ, आप लोग भी वीडियो बनाते हैं हम लोग भी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि जनाब कुछ इन एथलीट का ख्याल किया जाए इन स्पोर्ट्समैन का ख्याल किया जाए अः उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं आपकी फाइट में पच्चीस तारीख वाली फाइट में तो अभी तक आपके पास किसी की कोई कॉल आई हो किसी ने बोला हो नहीं जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इतना सपोर्ट या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इजिली चले जाएंगे क्या है अभी का स्टेटस सर का? <laughs> जब काल वाली बात आए तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक टोपी ड्रामे वाला एक जादूगर का फोन आया था <laughs> <laughs> वो कहते हैं कि भाई आपकी किस्मत में मसला है <laughs> तो आपने क्या बोला उसको मैंने कहा भाई आप कितने पैसे लेंगे मेरा किस्मत बनाएंगे? तो <laughs> वो कहते हैं कि आप पांच हजार रुपया फीस फिर नंबर पे बेचे और इनशाला जो है आपकी किस्मत बन जाएगी <laughs> तब आपको पैसे <पेशे> भी मिलेंगे <laughs> और जो है ना स्पोर्ट्स कोई मिनिस्टर का फोन आया ये लोग तो सोए हुए हैं सर ये लोग सोए हुए हैं ये जादूगर को फिर भी अपने रोजी का जादूगर को फिर भी अपने रोजी का ख्याल था उस, उसने मुझे काल किया आज मैंने बारा, वीडियो बनाए सिर्फ और सिर्फ ये एक जादूगर का फोन आया उसने कहा भाई ए, मैं काला जादू करता हूँ इन जो है आपका ये मसला मैं हल करूंगा आप पांच हजार रुपये लाए मैंने कहा वो लोमड़ी को मरने का पड़ा वो आ, बच्चे बोलते हैं आखिरी ड्रामा करके जाए

काली मुर्गी लाए और पांच हजार रुपए लाए फिलहाल जागे पे आए इन जो है आपकी किस्मत बन के आप इनशाला कुछ कर लेंगे तो अभी मैं काली मुर्गी भी ढूंढ रहा हूँ और फिलहाल तो पांच हजार रुपये भी मेरे साथ नहीं है कि मैं जाके अपना किस्मत बनाऊ यार ये तो बड़ा मतलब कि बहुत ही इसके तो साथ ज़ाहिर सी बात है पैसों की तो जरूरत है तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से होगा ये अब या, या अल्लाह पे छोड़ा हुआ है मैंने सर मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और अभी आजकल जो है आप कुछ कह भी नहीं सकते गवर्नमेंट जो हमारे इतने मिडले हैं ये देख के उन्हें उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि भाई एक स्पोर्ट्स को नहीं अभी देखो ना बहुत सारे हुक्मरान है इसमें जो है बहुत सारे हुक्मरान है ये एक दूसरे से सवाल करें ना सबसे पहले तो मैं मीडिया को कहूंगा कि भाई आप ये सवाल आगे उठाएं आप सवाल उठाएं कि भाई स्पोर्ट्समैन को क्यों तरजीह नहीं दी जा रही ये फंड नहीं आ रहा है तो फंड को रोक दिया जाए ये किस्सा ही खत्म हो हम स्पोर्ट्स हम भी रेडी लगाएंगे अगर ये स्पोर्ट्स चल रहे स्पोर्ट्स के नाम पे बहुत सारे फंड आ रहे हैं तो फिर हमें हक दिया जाए ना ताकि हम बाहर जाके खेले अगर आप हमें खेलने नहीं देते और तो हमारे साथ अभी फिलहाल जो है कुछ भी नहीं है हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा हो रहा है जितने भी जितने भी फंड आते हैं वो पता नहीं किस किस के जेब में जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा इसके साथ साथ तो आपसे भी एक मैसेज मैं रिकॉर्ड करूंगा एक मैसेज पूछना है उन्नीस तारीख को मोहम्मद वसीम बॉक्सर जो है पाकिस्तान के माशा से उनकी फाइट है तो उनके लिए क्या मैसेज होगा और वो तो मेरे ख्याल से हैं भी आपकी <coughs> से ही जी जी वो आप उनको जानते हैं क्या है थोड़ा सा बताएंगे उनके बारे में सर मोहम्मद वसीम माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉक्सर हैं उनको जो है वाबडा का सपोर्ट है और जो है पाकिस्तान हुकूमत की सपोर्ट है वो ये फाइट हर हाल से जीतेंगे और उनको जीतना भी है जो उनके पास मतलब फैसिलिटी है जो मतलब उनके डेटिंग है जो उनके कोचेज है, हैं वो मैं सोचता हूँ वो इनशाला हारेंगे ही नहीं वजह सिर्फ और सिर्फ ये है सर स्पोर्ट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज मिले ना आप इनशाला कोई फाइट भी जीत सकते हैं दो चीजों में से एक जो है आपका मतलब जो रोजगार का परेशानी है वो नहीं हो दूसरी जो आपको डेटिंग हो ट्रेनिंग हो आप इनशाला कोई फाइट भी इनशाला आप हिट कर सकेंगे जब आपके साथ ये दो नहीं होंगे ना आप छोटे से छोटे फाइट भी नहीं जीत सकते जो आज तक मैंने जितने मेडल जीते हैं जितने मैंने गेम खेली है ना ये वो जो सादा खुराक होता है उसी के जोर जीते हैं अगर हमारे पास अच्छी डाइटिंग हो कोई अच्छी प्रमोटर हो तो इनशाला मैं सोचता हूँ कि मैं दुनिया का कोई मेडल भी मेरे लिए लाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी वसीम इनशा हमारे भाई है इनशाला वो ये फाइट जीतेंगे इसके बाद इन और भी जीतेंगे वो इनशाला बहुत तरक्की करेंगे क्योंकि उसका, उसका इनशाला है और हमारे भी अल्लाह मालिक है हमारा भी इनशाला कुछ हो जाएगा इन तो हम तो भी बस... यही उम्मीद पे है सर नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जो उम्मीदें हैं आपकी आप बिल्कुल एक सही सिमत में जा रहे हैं और अल्लाह पाक आपको बिल्कुल कामयाब करेगा इनशा और अच्छा वसीम क्योंकि वहीं से, से कभी, कभी वहाँ पे आए थे वहाँ पे अत मोहम्मद काकड़ बाबा स्पोर्ट्स इनको कहा जाता है बोले को कोयटा में जो है एक सबसे पुराना बॉक्सिंग क्लब जो है वो बाबा स्पोर्ट्स अत मोहम्मद काकड़ साहब के बहुत अच्छे कोच है मोहम्मद वसीम वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं हम जो है कोच महबूब उस्ताद के महबूब उस्ताद के साथ ट्रेनिंग करते हैं जो ओलंपियन कोच हैं जिन्होंने ओलंपियन मेडल भी जीती हुई है नहीं कोरिया उसके पाक मतलब पाकिस्तान का अच्छा मिडल भी है और जो हमारे उस्मान वजीर हैं उनके भी कोच हैं तो हम उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं वसीम भाई उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और हमारे तकरीबन मुलाकात हुई थी वो एक टूर्नामेंट था मैं वहां पे मतलब मैंने फाइनल फाइट जीती थी वसीम भाई वहीं पर आए हुए थे जी हाँ अच्छा तो लोग कहते हैं शेरबाज मरी साहब लास्ट में आपका कोई मैसेज आप कुछ बोलना जा रहे हो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि खुदारा स्पोर्ट्समैन को तरजीह दी जाए स्पोर्ट्समैन का हक मिल जाए तो हमारी जो मतलब अभी जो दुबई में हमारी फाइट है उनके लिए हम عوام को नहीं कह सकते कि हमारी मदद कीजिए लोग क्या से क्या सोचेंगे हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई आप जो है स्पोर्ट्समैन को उसकी हक दी जाए और पाकिस्तान में हम जो फाइट भी इन खेलेंगे तो पाकिस्तान का ही नाम होगा पाकिस्तान का ही झंडा ऊपर करेंगे ना हम हमारी कोई हम पाकिस्तानी है ना हमारी कोई कौम है ना हमारी कोई मजहब है हम सब पाकिस्तानी एक हैं हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स मैन को तरजीह दी जाए स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए ताकि तो दुनिया में स्पोर्ट्स आगे हो और जो है नशे पत्ते जो मतलब जो कराची के इधर उधर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो स्पोर्ट्स मैन ही उनको अच्छा कर सकते जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी तो एक स्पोर्ट्स मैन है तो स्पोर्ट्स आगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत मैन का शहरबाज आपका जी तो नाजरीन ये थे शहरबाज मरी प्रोफेशनल बॉक्सर हैं पाकिस्तान के अः इनकी कुछ बातें जो हैं वो आप हंस सकते हैं उन पर लेकिन जो इनका स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो मैसेज यही है कि एक बॉक्सर एक एथलीट पाकिस्तान का जिसने नेशनल में मेडल जीता हुआ है गोल्ड मेडल जीते हुए हैं वो जो है एक मजदूरी करने पर कहते हैं आम है लेकिन वो अपने अपना उसका जज्बा उसका जुनून इतना है कि वो अपनी फील्ड से दूर नहीं जा रहा है उसकी फील्ड जो है बॉक्सिंग की वो उसको भी नहीं छोड़ रहा है लोडिंग का काम ये जो करते होंगे उन लोगों को मालूम है कि अगर आप आठ से दस घंटे वो काम करते हैं तो उसके बाद आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है कि आप कुछ और कर सकें और उसके बाद ये करते हैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस उसमें बाकायदा जो एनर्जी हम आ, आ, आराम से नॉर्मल लोग जो बैठे हुए होते हैं अगर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करें आधे घंटा तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी एनर्जी चाहिए होती है लेकिन ये शख्स जो है आ, पूरी ड्यूटी भी कर रहा है अपनी लॉडिंग की जिस जो जिस जो कि बहुत एनर्जी वाला काम है फिर उसके बाद एक एनर्जी वाली फील्ड ही इसने ली हुई है बॉक्सिंग की उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा है ये बहुत मुश्किल है ये आप और मैं कह दें ये कहने में बड़ा आसान है मैं बोल रहा हूँ मुझे बड़ा आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान है नहीं तो गवर्नमेंट हो या कोई भी ब्रांड हो या कोई भी एथलीट हो और चाहे कोई पर्सनल हो पर्सनल लोग हो जो कि इनकी मदद कर सकते हो तो मदद करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है ये हमारे पाकिस्तान के स्टार हैं अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किन को सपोर्ट करेंगे तो आज तक के लिए इतना ही नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़